दोस्तों 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है, तो इसके ऊपर में 65,000 तक का डिस्काउंट भी है दोस्तों। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, ये देख सकते हो आप 65,000 का डिस्काउंट है इस कार के ऊपर में। तो अगर आज कोई लेना चाहता है तो उसको 65,000 का डिस्काउंट इस गाड़ी के ऊपर मिलेगा। तो बहुत ही धमाकेदार मुझे लगा ये ऑफ़र, 65,000 बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब 65,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आप सबकी डिमांड पर लेके आ गया हूँ काइगर टॉप एंड मॉडल का रिव्यू, RX-Z मॉडल। तो सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसका प्राइस, माइलेज, रेंज, एवरीथिंग अबाउट दिस कार। ये देख सकते हो काइगर का लोगो आपको फ्रंट में मिल जाएगा और बड़ा सा लोगो यहाँ पर, और कुछ ऐसी चाबी रहने वाली है इस टॉप एंड मॉडल की। तो इसका प्राइस, माइलेज, रेंज, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल, सारी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, कुछ ऐसे कार्ड की जैसी आपको इसमें की देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसमें लॉक और यहीं से अनलॉक सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका प्राइस, माइलेज, रेंज, एवरीथिंग अबाउट सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ। तो एक बार मैं आपको इसका 360 व्यू दे देता हूँ पूरा। पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों इस कार का। यहाँ पर लोगो मिल जाएगा काइगर का, और यहाँ पर आपको अपना कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो पार्किंग कैमरा। और ये देख सकते हो पीछे में कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको अपने LED लैंप्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। और ये टर्बो इंजन वाली कार है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्बो का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डी शेप में आपको यहाँ पर इसके जो पीछे के लैंप है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीछे में यहाँ पर आप देख सकते हो हाई माउंटेन लैब, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लैंप। और यहाँ पर आपको अपना एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, शार्प एंटीना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप दोस्तों। और जो टायर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हो। तो टायर का जो प्रोफाइल रहने वाला है आप देख सकते हो 195/60R16, 16 इंच के आपको डायमंड अलॉय आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे में आपको डम ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो RX-Z की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो फटाफट से अब शुरुआत करते हैं, फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं, फ्रंट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से एक बार मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो की कुछ ऐसी रहने वाली है, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में है की। तो यहीं से आप इसको लॉक कर सकते हो, ये कार लॉक हो गई है, और यहीं से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। और अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, जब इसको आप अनलॉक करते हो तो कुछ ऐसा रहता है दोस्तों इसका आगे का व्यू, ये देख सकते हो। तो वेलकम करती है ये, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर अब आपको फटाफट से मैं आगे से ही इसका जो बॉनट है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो बड़ा सा आपको इसमें बॉनट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में आपको 2 वाइपर देखने के लिए मिलेंगे बड़े बड़े दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको काइगर का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पर आपको अपने DRLs देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो, ये इंडिकेटर का भी काम करेंगे, ठीक है। और नीचे में आपको ये देख सकते हो इतने एक हेडलैम्प्स, ये आप देख सकते हो 1, 2, 3 हेडलैम्प्स। और ये फॉग लैम्प का भी काम करेंगे, 1, 2, 3 इधर में और 3 इधर में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर अपना नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे की जो ओवरऑल बॉडी है वो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन लग रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो कुछ आगे का ऐसा व्यू रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई आगे की सारी चीज़ें, अब फटाफट से मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपने ORVM मिल जाएंगे, इसके ऊपर ही आपको टर्निंग इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ओवरऑल और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा, 205 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ऑफ रोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है दोस्तों, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार का दोस्तों। और हमारी जो इको कार है उसका भी 160 mm ही ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आपको गाँव में, शहर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इसको चलाने में। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर में, तो यहाँ से इसको अनलॉक कर देते हैं फटाफट से पहले। तो यहाँ से इसको अनलॉक कर दिया है मैं, और अब आपको अंदर से दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। डैशबोर्ड
सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो तो कुछ ऐसा इसका स्टेयरिंग रहने वाला है दोस्तों, ये आप देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। तो अभी मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है और यहाँ पर आपको अपने क्रूज कंट्रोल सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपना बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना 8 इंच का म्यूजिक इन्फोटेक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं अनलॉक और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कैसा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो। तो अभी कार हो गई है स्टार्ट, यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका रहने वाला है आप देख सकते हो। और इसमें आप चेक टायर प्रेशर भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है और इसके अंदर आपको 3 मोड देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, ये देख सकते हो आप। अभी गाड़ी इको मोड में है, उसके बाद में नॉर्मल, फिर स्पोर्ट्स। तो आप जब मोड चेंज करोगे तो कुछ इसका ऐसे ये चेंज हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। इको मोड में आ गई है अभी और उसके बाद में स्पोर्ट्स मोड, और उसके बाद में जब नॉर्मल मोड करना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा नॉर्मल के लिए। तो ये नॉर्मल मोड में आ गई है। तो काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है इस कार के अंदर में दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपने माउंटेन कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड प्ले और अपना एप्पल कार प्ले दोनों आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे इन्फोटेक सिस्टम में। और यहाँ पर आप नीचे में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वायरलेस चार्जर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो कार है दोस्तों ऑटोमेटिक वाली है, इसमें आपको 2 ही पैंडल देखने के लिए मिलेंगे, आपको एक एक्सीलेटर का और एक अपना ब्रेक का, 2 ही पैंडल आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। और यहाँ पर आपको ये जो है नॉर्मल ग्लव बॉक्स यहाँ पर एक देखने के लिए मिलेगा और उसके नीचे में जो है उसका नीचे वाला जो ग्लव बॉक्स है वो कोल्ड ग्लव बॉक्स है जिसमें कोल्ड ग्लो बॉक्स है जिसमें आप अपनी ठंडी चीज़ें कुछ रख सकते हो, फ्रूटी जूस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है अपना, कुछ स्टोरेज, कुछ अपना कैश वगैरह सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह सब रख सकते हो यहाँ पे, इतना जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा और बेहतरीन स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो इजीली वायरलेस ठीक है। और यहाँ पर भी आपको अपना पर्स वगैरह रखने की जगह देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपने AC के वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आपको अपनी हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, ये देख सकते हो। हैजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और एम्बेडेड लाइट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ये स्विच है, ये देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो अंधेरे में, यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 और 3 एम्बेडेड लाइट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 4 एयरबैग इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1, 2 और पीछे वाले पैसेंजर के लिए, 1 उस साइड में 1 उस साइड में, 4 सेफ्टी के हिसाब से आपको इसमें एयरबैग देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना पीछे का देखने के लिए मिरर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ लिखना है या कुछ करना है तो यहाँ पर आपको अपनी एक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर इसके अंदर एक मिरर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। और जो सनवाइज़र है उसके अंदर में आपको एक मिरर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा देखने के लिए ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई डैशबोर्ड की, और सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दी। और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, और चाबी भी काफ़ी क्लासिक है। और इसके अंदर में आप सोच रहे होंगे कि वैसी मैनुअल की नहीं है, अगर कभी इसका बैटरी बंद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके अंदर में एक चाबी दी हुई है, मैनुअल चाबी भी इसके अंदर में है, वो दिखाता हूँ मैं खोल के आपको कि इसके अंदर कैसी मैनुअल चाबी है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों ठीक है। और जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और कैप्टन सीट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, ये आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसी चाबी इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। अगर इसका सेल कभी बंद हो गया तो आप इसको आराम से इसको खोल सकते हो और ये मैनुअल की यूज़ करके गाड़ी के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो अभी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको दे देते हैं, लीजिए सर ठीक है। तो ये देख लो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, आगे की सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब पीछे चल के दिखाता हूँ पैसेंजर, पीछे वाले पैसेंजर के लिए कितना स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिले। और इसमें 4 लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ये देख सकते हो, काफ़ी बड़ी गाड़ी है दोस्तों ये ठीक है। और 4 लोग आराम से आप इसको इसके अंदर आराम से बिठा सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर रियर वाले बंदों के लिए भी आपको AC देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है दोस्तों। और काफ़ी बड़ा
स्पेस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और इतना गैप अभी भी है दोस्तों, तो मतलब काफ़ी कंफर्ट है इस कार के अंदर में। ये आप देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबली बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे भी बिठा सकते हो इसमें, पर 4 बंदों के लिए एकदम कंफर्टेबल है दोस्तों ये कार। और यहाँ पर पीछे वाले बंदों के लिए यहाँ पे आपको अपना लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हो। और बोतल होल्डर की बात करूँ तो 1 लीटर और 1 लीटर इधर, 2 लीटर और 2 लीटर आगे और 2 लीटर, टोटल 6 लीटर दोस्तों, 6 लीटर पानी आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पर। 1-1 लीटर का यहाँ पर है और आगे में जो है वो 2-2 लीटर का आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा, तो टोटल 6 लीटर आप पानी स्टोरेज कर सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी मजबूत स्ट्रांग बॉडी के साथ में ये गाड़ी आती है दोस्तों। ओवरऑल आप देख सकते हो फिनिशिंग वगैरह तो काफ़ी बेहतरीन और प्यारी इसकी फिनिशिंग मुझे लगी, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और पीछे वाले बंदों के लिए भी सीट बेल्ट दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो सेफ्टी के लिए पीछे वाले बंदों के लिए भी सीट बेल्ट आपको देखने के लिए, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीछे चल के आपको पीछे का बूट स्पेस दिखाता हूँ दोस्तों, और चाइल्ड लॉक सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो एंटी चाइल्ड लॉक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको चाइल्ड लॉक के बारे में, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और जो फ्यूल टैंक है दोस्तों 40 लीटर का आपको इसमें बड़ा फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बूट स्पेस बता देता हूँ, अब बूट स्पेस आपको इसमें कितना देखने के लिए मिलेगा, 405 दोस्तों, 405 लीटर का आपको बड़ा फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो। तो आराम से इसके अंदर में आप अपने कम से कम भी 5 बैग, बड़े 5 बैग आराम से रख सकते हो दोस्तों। 405 लीटर का बूट स्पेस बहुत बड़ा बूट स्पेस होता है, और इसके नीचे आपको अपनी स्टेपनी भी देखने के लिए मिल जाएगी, इमरजेंसी स्टेपनी जो है, एक्स्ट्रा स्टेपनी जो है, इमरजेंसी व्हील, वो आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और 405 लीटर का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस होता है। और यहाँ पे आप अपना कुछ थेला वेला टांग सकते हो दोनों साइड में, ये देख सकते हो। और ये सीटें फोल्ड भी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो फोल्डिंग सीटें हैं, 60-40 में फोल्ड हो जाएगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। तो 405 लीटर का इसमें आपको बड़ा अपना बूट स्पेस मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्पीड प्लेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और अंडर बॉडी डैमेजेस का आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपना साइलेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। और काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये कार आती है दोस्तों। तो अभी इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और रियर में आपको यहाँ पर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा देखने के लिए। तो अब इसके ऊपर में आपको यहाँ पर अपना डिफॉगर है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और पीछे का वाइपर वॉशर आपको पीछे का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और हाई माउंटेन लैंप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शार्प एंटीना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो पीछे का लुक कार का, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है दोस्तों इस कार का। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो दोस्तों, ये देखो इसका की का देखो कितना बेहतरीन फीचर है दोस्तों। आप जैसे ही कार के पास जाओगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही अब जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी कार, देखो ये लॉक हो गई, और अब जैसे ही मैं पास जाऊँगा तो ये वापस से अनलॉक हो जाएगी। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन फीचर लगा दोस्तों मुझे इस कार का, ठीक है। तो अब फटाफट से दोस्तों इसका माइलेज बता देता हूं मैं, माइलेज और प्राइस कितना रहने वाला है इस कार का, तो वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता देता हूं दोस्तों। तो ये जो गाड़ी है आपको आराम से माइलेज निकाल के दे देगी, सिटी में आपको 15 का माइलेज ये निकाल के देगी आराम से, और हाईवे पर आप इसको लेके जाओगे तो 18 तक का माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल के दे देगी। तो 18 का माइलेज काफ़ी अच्छा माइलेज है दोस्तों, ठीक है, और 18 तक का माइलेज ये हाईवे के ऊपर आपको ईजीली निकाल के दे देगी दोस्तों। और गाड़ी बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों ओवरऑल लुक की बात करें तो काइगर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस भी बता देता हूँ फटाफट से, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस कितना रहने वाला है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसका। तो फटाफट से मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ दोस्तों कितना प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास में सारी डिटेल है दोस्तों, 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है, तो इसके ऊपर में 65,000 तक का डिस्काउंट भी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ये देख सकते हो आप 65,000 का डिस्काउंट है इस कार के ऊपर में,
तो अगर आज कोई लेना चाहता है तो उसको 65,000 का डिस्काउंट इस गाड़ी के ऊपर मिलेगा। तो बहुत ही धमाकेदार मुझे लगा ये ऑफ़र, 65,000 बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब 65,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 65,000 का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस कार के ऊपर में, ये देख सकते हो। और ये आज के लिए है ओनली, 31 दिसंबर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से आपको इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ दोस्तों। तो एक्स शोरूम प्राइस इसका रहने वाला है 11,22,000 आपको इसका एक्स शोरूम पड़ जाएगा कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। और जो ऑन रोड प्राइस है 14,60,000 है, ऑन रोड प्राइस इसका 14,60,000 है दोस्तों, 14,60,000 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा आपको बैंगलोर कर्नाटक के अंदर में दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बता दी। और 65,000 का अगर आप डिस्काउंट चाहते हो दोस्तों तो आज ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोरूम में, तो आपको इसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आज साल का लास्ट दिन है दोस्तों। तो फटाफट से कॉन्टैक्ट करें और अपनी गाड़ी बुक करें दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, अपनी पूरी YouTube फैमिली को। तो ऐसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए डेली बनाकर लाता हूँ दोस्तों, एवरी डे 6 PM। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को थम्स अप लाइक ज़रूर करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।